खंडवा रात्रि विश्राम के लिए आया हूँ। इसके पहले बुरहानपुर में रोड शो किया, उसके पहले धूलकोट एक कार्यक्रम किया। मुझे इस बात का संतोष है कि खंडवा बुरहानपुर लोकसभा हमारी बहुत अच्छी स्थिति में है। कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है और प्रदेश में पूरा मोदीमय माहौल है। उम्मीद कर रहा हूँ कि 13 तारीख के दिन जब वोट डलेंगे तो एक नया रिकॉर्ड बनेगा। मेरी अपनी ओर से सभी कार्यकर्ताओं को जब तक आखिरी वोट नहीं डल जाए तब तक काम में लगे रहने का आग्रह भी है और सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि वोट जरूर दे, कोई कहीं भी जाए लेकिन वोट जरूर देना है। लोकतंत्र में इस हक को सदैव बचा कर रखें। अपने पास ये बड़ा हथियार है जिसमें अपनी मन भावना के आधार पर मतदान करने के लिए एक मौका मिलता है। मेरी अपनी ओर से खंडवा वासियों को बधाई। बैतूल का चुनाव, बैतूल सहित 9 लोकसभा के चुनाव अपने प्रदेश के अंदर है। मैं 9 ही लोकसभा के सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि अधिकतम मतदान करें। मतदान ये हमारा अधिकार भी है और ये लोकतंत्र को मजबूत करने का सबसे बड़ा हथियार भी है। सर, राहुल गांधी आए थे क्षेत्र में, निमाड़ में, बड़े वादे करके गए। चलिए, मैं सभी मतदाता भाइयों से अपील करता हूँ, आज 9 लोकसभा हमारे अपने प्रदेश के अंदर है, 9 ही लोकसभा क्षेत्र में, बैतूल, भोपाल, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, राजगढ़, सभी क्षेत्रों में भारी मतदान की हम सबको मैं आप अपील करता हूँ और मान के चलता हूँ कि आप भारी मतदान करेंगे। मतदान ये हमारा सबका संवैधानिक अधिकार है और इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में निष्प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले समय सरकार चली है, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए हम और आप मिलकर के एक बार फिर मतदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप सभी मतदान करें। मैं आपसे अपील करता हूँ, मध्य प्रदेश शांति का टापू है, हमने सारे प्रबंध चाक चौबंद किए। अभी तक मेरी जानकारी में जो आया, निर्वाचन बहुत शांतिपूर्वक सम्पन्न हो रहा है।